अच्छी यादें बुरी यादें, अच्छी घटना बुरी घटना, उसमें हम फ़ायदा नुकसान ढूंढने लगते हैं और फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं कि शायद जो कुछ भी घटा है उसमें भी भगवान का कोई अंदेशा था तो हमें हिम्मत दे गया। मैं ये मानती हूँ कि जब कुछ बुरा होता है उसमें से एक ऐसी टीस या एक ऐसी सीख हमें मिलती है कि हम अंदर से खड़े हो जाते हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कभी कभी दर्द से अच्छाई की तरफ का आईना होना। हमारे पास ऐसा आईना नहीं है जो हमारी बदसूरती से हमें खूबसूरती का सफ़र कराए, या शायद हमने ढूंढा ही नहीं है। हाय, मैं हूँ आरजे जिया आपके साथ खयालों वाली खिड़की में, और आज खयालों वाली खिड़की में एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। 2017 में मेरी एक दोस्त के साथ बहुत ही बुरा हुआ। दिवाली का दिन था, हमारे गुजरात में दूसरे दिन नया साल होता है। सारा घर दिए से जला हुआ था, घर में सब फैमिली फ्रेंड्स थे, वो भी दिए जला रही थी। उसने प्लाजो पहना था, ऊपर एक छोटा सा टॉप पहना था। वो बड़े चाव से अपने पूरे घर को सजा रही थी, हाथों में दिए की थाली थी, रंगोली सजा रही थी, बालकनी में दिए जला रही थी। नीचे कोई दिया था, हवा आई और उसकी लौ ने उसके प्लाजो को कैच कर लिया, और कुछ ही देर में वो प्लाजो जो मलमल का था उसने बहुत जल्दी आग को पकड़ लिया, उसके पैर को जगड़ लिया और फिर चीखें चीखें चीखें। उस लड़के की चीखें पूरे उस एरिया में सबके कान फाड़ रही थी, कान तोड़ रही थी। वो काफ़ी जल चुकी थी, एंकल से लेकर कमर तक उसका काफ़ी सारा हिस्सा जल चुका था, और उसने हर तरफ से चिल्ला के हर तरफ से मदद मांगी। घर वालों ने, किसी ने प्लाजो फाड़ा, किसी ने पानी डाला, लेकिन उसकी जलन को कोई नहीं कम कर पाया। वो भागी दौड़ी चिल्लाई और तब जाके उसके 12 साल के बेटे ने उसको धक्का मारा। हवा का जो जोर था आग का वो कम हो गया, बाथरूम की बाल्टी में पानी भरा हुआ था उसके ऊपर डाला, वो बेहोश हो गई। वो इतनी बुरी तरह से उसका पैर जल चुका था कि कोई उसको पकड़ के उठा के कहीं ले भी नहीं जा सकता था। घर वालों ने उसे घसीट के बाथरूम में लेके आया ताकि उसके ऊपर पानी डाले, शावर से पानी डाला, बड़े बड़े ब्लिस्टर आ चुके थे। उसमें से किसी ने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। हमारे गुजरात में नए साल में मैक्सिमम डॉक्टर्स नहीं होते, ये बहुत बुरी, अनफॉर्चुनेटली कोई डॉक्टर नहीं मिला उसे। 24 घंटे तक उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। किसी ने कहा सिल्वर एक्स ट्यूब लगाओ, किसी ने कहा मलाई लगा दो, किसी ने कहा बर्फ़ के पानी डालो। कम से कम उसने 25 से 30 बार शावर से उसने अपने उस घाव के ऊपर पानी डालती रही। लोग उसके आसपास आते रहे, किसी ने ये कहा, उसने सब किया, उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली। नए साल की रात को ये हुआ उसके साथ। दूसरे दिन भाई दूज थी, कोई डॉक्टर नहीं मिला, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अवेलेबल थे। बर्न केसेस में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। उसके बाद दूसरे दिन तीज थी, कोई डॉक्टर नहीं मिला। पांचम के दिन सुबह जब गुजरात में मार्केट खुलता है, एक डॉक्टर उसको मिला। 4 दिन तक उसके पूरे पैर में सेप्टिक फैल चुका था। उसे डर लगने लगा था कि शायद कभी भी वो चल नहीं पाएगी। उसकी नसें फट रही थी दर्द से, वो चल ही नहीं सकती थी। उसके जख्म में इतने बड़े बड़े ब्लिस्टर्स हो चुके थे। जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि शायद ये सेप्टिक मैं निकालने में नाकामयाब रहूं, शायद किडनी में उसका पस फैल जाए, लेकिन मैं 1% चांस लेता हूं। तब उस आधी सी मरी सी बेहोश लड़की ने कहा, कुछ भी करो मुझे जीना है, अगर हो सके तो मेरी ये स्किन निकाल दो। पहला ऑपरेशन हो गया पहले दिन, 2 दिन के बाद दूसरा ऑपरेशन हुआ और उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी हुई जिसमें पूरी उसकी स्किन को दूसरी स्किन के साथ हील करने के लिए जोड़ा गया। ये बहुत ही पेनफुल होता है जब आपको दूसरे की कोई स्किन मिलती है और आपकी स्किन के साथ और उसके ब्लड टेसल्स, उसकी टिश्यूज, उसकी ब्लड की पूरी एक सेटिंग दूसरी स्किन के साथ मैच करनी होती है। इट्स अ टफ सर्जरी, और वो सर्जरी होने के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता ये कितना चल पाएगी, ये कब तक चल पाएगी, उसकी नॉर्मल लाइफ में 2-3 महीने लग जाएंगे, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। और 3rd degree बर्न, जितने भी बर्न केसेस इंडिया में होते हैं मैक्सिमम टाइम पे वो तभी ख़त्म हो जाते हैं। आत्मविश्वास गंवा देते हैं, अपना सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, अपना मॉरल डाउन कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं फिर ज़िंदगी में। बहुत टाइम के बाद उनको खुद में से हिम्मत मिलती है। आप शायद इस लड़की को जानते हैं जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई, और शायद आप बहुत बार उसे सुन चुके हैं। ये मेरी कहानी है। 2017 में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था और
शायद मैंने किसी सोशल मीडिया पे इस इंसिडेंट के बारे में मैंने कभी नहीं डाला था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई जताने और बताने की बात नहीं है, ये मेरा युद्ध है, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसमें से खुद बाहर आऊँगी। और मैंने अपने आप को पूरा एक साल डेढ़ साल दिया था। जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे ऑफिस कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, उन लोगों को पता था कि मैं इस वक्त बहुत ही एक ट्रॉमा फेज में हूँ और उसमें से मैं जेन्युइनली कब बाहर आऊँगी किसी को नहीं पता था। मेरे स्कार्स मैं हर रोज़ देखती थी, जब मैं कपड़े चेंज करती थी, जब मैं कुछ पहनती थी तो मैं हमेशा अवॉइड करती कि मेरा पैर ना दिखे, किसी को मेरे दाग ना दिखे। अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी मैं, अपने आप को आईने में देखते वक्त भी बहुत डर लगता था मुझे। फिर पता नहीं मेरे हाथ में एक आर्टिकल लगा, एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का। उसका तो पूरा चेहरा खत्म हो चुका था, नाक, नक्शा, बहुत कुछ, इतनी सारी सर्जरीज और इतना सारा कॉन्फिडेंस। उसकी पूरी जर्नी मैंने पढ़ी, उस पूरे मैगजीन में सिर्फ मुझे एक ही चीज नजर आई, पता नहीं मैं इतना आत्मविश्वास कब लाऊंगी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती एक एसिड अटैक की जो पीड़ा होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती। मेरा दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं था, मुझे उसी मोमेंट को पता चला। और पता नहीं मेरे अंदर से एक एनर्जी आ गई, हालांकि मुझे पता था कि मुझे बाहर आने में बहुत टाइम लगने वाला है। जब भी मुझे डॉक्टर चेक करने आते तो मैं एक ही चीज़ बोलती, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, सब कुछ नॉर्मल तो हो जाएगा ना। और हर बार मुझे डॉक्टर बोलते ये नया ऑइंटमेंट आया है, हम ये करेंगे, इससे मसाज करोगी तो सारे दाग निकल जाएगी। ना जाने कितनी सारी चीज़ें मैंने ट्राई की और मुझे हर बार लक्ष्मी का चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आता कि मेरे साथ तो एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ जो घटा है वो ह्यूमन क्रिएटेड एक्सीडेंट है, किसी ने उसके साथ ऐसा किया। उसका आत्मविश्वास वो तो अंदर से खत्म हो चुकी होगी ना, तो मैं कैसे हिम्मत हार चुकी हूँ? मुझे हक ही नहीं है अपनी हिम्मत हारने का, मेरा गम कितना कम है उसके सामने। और इस बंदी के अलग अलग आर्टिकल्स, उसकी कहानी ने मुझे इतना इंस्पायर्ड किया और मैंने तय किया कि मेरे जख्म को मैं रोज़ देखूंगी, मैं रोज़ उसे कहूँगी कि एक दिन ऐसा होगा कि ये मिट जाएंगे, लेकिन इसके साथ मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी अंदर की ताकत मुझे इसी से मिलने वाली है। और मैंने अपने दाग को, मैंने अपने स्कार्स को अपना लिया, अपने वजूद के साथ मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने खुद से डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने वाले हैं, लेकिन जो घटा है लक्ष्मी के साथ उसे तो पूरी दुनिया देखेगी, मेरा तो सिर्फ पैर है, मैं कितना चाहूँ ढक सकती हूँ इसे, मैं चाहूँ तो दिखा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ढक सकती हूँ, लेकिन लक्ष्मी वो कैसे ढकेगी, वो कैसे छुपाएगी अपने दर्द को। और फिर एक बार मैं अपने अंदर से उठी, फिर एक बार मैंने अपने अंदर से खुद को पुकारा कि तुम सब कुछ कर सकती हो। और 18 दिन के अंदर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर ली। मुझे बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि शायद जो भी हुआ ना अच्छा हुआ, मुझे एक हिम्मत मिली, एक लड़ाई लड़ी है मैंने, युद्ध जीता है मैंने, क्योंकि मुझे आग से पहले से भी बहुत डर लगता था। मैं ऐसे डायरेक्ट आग देखूँ ना तो मुझे पहले से ही बहुत डर लगता था। इस चीज़ की वजह से ना अब मुझे डर नहीं लगता। मैंने एक साल तक दिया नहीं किया था इस इंसिडेंट के बाद। 2018 में जब दिवाली आई तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। अभी भी मुझे मेरी पड़ोस वाली दादी कभी कभी कहती है दिवाली में कि जिया मुझे अभी भी तुम्हारी चीक सुनाई देती है जब दिवाली का दिन आता है। और मुझे तभी लगता है कि मैं खुद लड़ी हूँ इससे। मसला खुद ही उस चीज़ में से मिलता है जो बुरा हुआ होता है। उस पूरे एक साल में ना मैंने भगवान को दिया किया, लेकिन उस दिन दिवाली के दिन जिस दिन मेरी इस घटना को एक साल हुआ, उस दिन अचानक से मेरे अंदर से जैसे आवाज़ आई कि तुम्हें हक नहीं है हारने का, तुम अभी भी उठ के वही चीज़ वापस कर सकती हो। और मैंने दिवाली के सारे दिए जलाए। लड़ने की ताकत वही बुरी चीज़ देता है। व्हेन यू बिकम अ सर्वाइवर यू आर विनर, आप फाइटर बन जाते हो।
ये मेरा अनुभव है। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज आता है जब हमें लगता है कि शायद ये हमारा बुरा वक्त है, हम उनमें से कभी बाहर नहीं आएंगे। चाहे वो बुरी इंजरी हो, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो, कोई ऐसी घटना जिससे आपको बाहर आना बहुत मुश्किल लग रहा हो, तब उस आईने में से अपनी एक खूबसूरती ढूंढिए। आपको जीने के हजार बहाने मिल जाएंगे, बट आपको ये फाइट करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। बी अ फाइटर। इफ यू आर अ सर्वाइवर, यू कैन बी अ फाइटर, यू कैन बी अ विनर। आपके अंदर वो है स्टेमिना उस बुरे फेज में, चाहे वो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने आपको इंजर्ड किया, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कोई मेडिकल ट्रॉमा, कोई मेडिकल ऐसी बीमारी जिससे आपको लगता है कि मौत बड़ी करीब है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है। हम बहुत ओवरथिंक करते हैं जब हम बुरे फेज में होते हैं। मैंने भी किया था। हम सब बुरे फेज में हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन उस आईने में बुरी चीज में से एक खूबसूरत चीज आपको एक हसीन शुरुआत करने का मौका जरूर देती है। जब जब भी आपको बुरे फेज में खराब विचार आए, फटे हुए दूध को याद कीजिए। जो फटा हुआ दूध होता है वो फट जाता है, लेकिन उसमें से पनीर बनता है। जब हम पनीर खाते हैं तो क्या हम फटे हुए दूध को याद करते हैं? नहीं, हम सिर्फ पनीर का स्वाद लेते हैं, क्योंकि फटे हुए दूध की बदकिस्मती से खूबसूरत पनीर मिलता है। सो आपको भी अपनी खूबसूरती को वापस ला के उस आईने में अपना खूबसूरत चेहरा देखना है। उस बुरे फेज में से भी अच्छा होता है। एक बुरी घटना एक अच्छा खूबसूरत टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सो इफ यू आर अ सर्वाइवर, यू आर अ फाइटर, यू आर अ विनर। ऐवे ही थोड़ी कहती हूँ, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।